डिपार्टमेंट से हवाई सेवा हमने देहरादून से वहां की चला दी है, अयोध्या की आपने रेलगाड़ी की मांग की है, रेलगाड़ी भी हमको मिल जाए। तो ऐसे अनेक काम है और दुनिया के देशों में आज भारत का जो है मान सम्मान, स्वाभिमान, पहचान पूरी दुनिया में बढ़ गई। जो भी भारत का रहने वाला है वो चाहे विदेशों में भी रहते हैं उनका भी आज सीना जो है गर्व से दौड़ा है, क्योंकि हर एक भारतवासी की पहचान कर रही है, हर एक भारतवासी का गौरव बढ़ा है। ये दुनिया के अंदर इस प्रकार से काम नहीं है। उत्तराखंड के अंदर भी आप सबको पता है डबल इंजन की सरकार, हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार। तो डबल इंजन का मतलब होता है कि दोनों इंजन काम करते रहे, दोनों इंजन, जहां हमारी प्राथमिक मोदी के नेतृत्व में हमें अच्छी सड़कें मिली है, जहां काम और ज्यादा रोडें मिली है, अनेक स्वास्थ्य की सेवाएं मिली है, रेल हमको नहीं मिली है, हवाई सेवाएं नहीं मिली है। आप देख रहे होंगे अभी हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुंशियारी, चंपावत, यहाँ के लिए अभी हेली सेवा प्रारंभ हो रहा है। कनकपुर का हमारा हवाई अड्डा यहाँ बन रहा है, इसी जिले में हमारा एम्स बनने जा रहा है। तो ऐसे अनेक कार्य तेजी से उनके नेतृत्व में आगे बढ़े हैं। उत्तराखंड राज्य में हमने भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो हमारे सिंह भाइयों के कल में बहुत बड़े कार्यक्रम में संत समागम था, वहाँ काशीपुर में गया था, तो वहां मैंने जिक्र किया हेमकुंड साहब जाने वाला जो रोप वे है उसका भी काम प्रारंभ हो गया है। मैं करता सिंह कॉरिडोर जाने के लिए 100 करोड़ से ज्यादा की योजना से अब कोई भी वहां के दर्शन कर सकता है। जो काम बहुत पहले होना चाहिए था वो काम आज संपन्न हो रहा है। चाहे हमारे गुरुदेव बहादुर जी का प्रकाश पर्व मनाना हो, गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व हो, या गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व हो, ऐसे अनेक कार्यक्रम देश के अंदर हुए। साहबजादों के जन्म दिवस पर वीर बाल दिवस देश के अंदर पहली बार